खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बहू ऐश्वर्या ने लालू के परिवार पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर के बाहर घर के भीतर का झगड़ा आ चुका है और ये बीती रात भी चलता रहा। बारिश के बीच भी लालू और राबड़ी की बहू घर के बाहर रही क्योंकि गार्ड ने दरवाजा भीतर से बंद कर रखा था। वो दरवाजा पीटती रही, मिन्नतें करती रही। ये सब तब हुआ जब ऐश्वर्या ने अपने पिता को फोन करके बुलाया। जब पिता राबड़ी के घर पहुंचे तो ऐश्वर्या उन्हें लेने बाहर गई, तभी गार्ड ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। भैया खोलो, भैया मेरा सामान अंदर ही है, भैया कपड़े नीले हो चुके हैं। अब तक चर्चा ऐश्वर्या और तेज प्रताप के तलाक को लेकर होती थी, लेकिन इस बार ऐश्वर्या ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है। मामला FIR तक पहुंच चुका है और घर के बाहर पुलिस तक जुट गई है। RJD प्रमुख लालू यादव और राबड़ी देवी की बहू ऐश्वर्या राय ने राबड़ी देवी और उनके परिवार पर उन्हें प्रताड़ित करने का बड़ा आरोप लगाया है। इस वक्त मैं राबड़ी देवी आवास के ठीक बाहर मौजूद हूँ। अंदर मीडिया की एंट्री बैन है, लेकिन अंदर की जो तस्वीर है वो कुछ इस तरह है कि एक तरफ ऐश्वर्या राय और उनके पिता विधायक चंद्रिका राय और उनका परिवार मौजूद है, तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी और उनका परिवार भी सामने है। एक तरफ जहां ऐश्वर्या राय इल्जाम लगा रही हैं कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है राबड़ी देवी आवास के अंदर, तो वहीं राबड़ी देवी और उनके परिवार की तरफ से जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है कि उन्हें इससे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ इस तरीके की तस्वीर है कि अंदर वुमेन हेल्पलाइन ऑफिसर है जो समझाने की कोशिश कर रही है, मामला सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल ऐश्वर्या राय के भाई की तरफ से FIR लिखित तौर पर शिकायत जो है वो दर्ज किया जा रहा है, FIR के लिए बयान दर्ज किया जा रहा है। इस बार ऐश्वर्या ने लालू राबड़ी परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया, मारपीट की गई, खाना तक नहीं दिया गया। ऐश्वर्या ने लालू की बेटी मीसा भारती पर भी आरोप लगाए हैं कि सब मीसा का ही किया धरा है। मीसा भारती है जिन्होंने सब कराया है और मीसा भारती नहीं चाहती है कि घर बसे। उसके बाद मेरा हस्बैंड अपनी मदर को टॉर्चर करता है कि हम जहर खा लेंगे, इसको बाहर निकालो। हालांकि मीसा भारती अपने ऊपर लगे किसी भी आरोप से इनकार कर रही है। ऐश्वर्या राय के आरोप पर जब मैंने मीसा भारती से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। मीसा भारती का कहना था कि वो ईद के बाद से सिर्फ 3 बार ही पटना गई हैं और तीनों ही बार कोर्ट की तारीख के लिए वो वहां गई थीं और उसी दिन शाम को वापस दिल्ली भी लौट आई थीं, और इन तीनों ही बार ना तो उनकी ऐश्वर्या राय से मुलाकात हुई और ना ही किसी तरह की कोई बात। तेज प्रताप ने आरोप लगाते हुए पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दी थी। फैमिली कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है। जज ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की थी लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया।